चलो इनको वेलकम बैक। आज हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है हमारे पास, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है और फार्मूला क्या है, और देन देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात करें यानी कि बिल्कुल लीनियर, इसकी दो तरह से डेफिनेशन हम कर सकते हैं, एक इसकी मैथमेटिकल फॉर्म से और दूसरी इसकी बेस मास एंड वेलोसिटी के बेस पे। तो डेफिनेशन क्या होगा, मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। एंड द सेकंड डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसको पी से डिनोट करते हैं हमारे पास, और इसका फार्मूला पी इक्वल टू एम वी, एम मास एंड वी लीनियर वेलोसिटी है हमारे पास। इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर फी सेकंड में होता है, और न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कैसे आता है, यहां से हम देखते हैं एफ पी वी, न्यूटन फी सेकंड। यहां पर इसको इसका ये वाला भी बनता है एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, या पी इक्वल टू एफ टी इधर जा रहे। तो हमारे पास ये न्यूटन सेकंड वाला, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एमएलटी नेगेटिव वन इसकी डायमेंशन। ये था हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम, रिलेशन क्या है हमारे पास, जब कोई बॉडी मूव करती है विद द मास एंड वेलोसिटी वी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी वी आई एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी आई एंड विद मास एम एंड फाइनल वेलोसिटी वी एफ। विद द पैसेज ऑफ टाइम विद आफ्टर टी टाइम इस वेलोसिटी विल बी वी एफ, इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी, यानी चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आएगा, और हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी टाइम। बाय सेकंड लॉ देखते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ का, हम बता रहे हमने लास्ट लेक्चर में इसके किए थे एफ इक्वल टू एम ए, एम ए ए को एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लिया, ए इक्वल टू एफ ओवर एम, इक्वेशन बी बन गई, इक्वेशन ए बन गई हमारे पास। दोनों को क्या कर देंगे हम, अब कंपेयर कर देंगे, जब कंपेयर करेंगे तो एफ ओवर एम इक्वल टू बी एफ माइनस बी ए ओवर टी। ये था हमारे पास। अब यहां से हम क्या करते हैं, एम को इधर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया एम वी एफ माइनस एम वी आई, ये जो है डेल्टा पी के इक्वल है, देन एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी। ये हमारे पास था फोर्स, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ये इज इक्वल टू फोर्स। ये था फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन, या व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो हमारे पास ये बता सकता है द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स के इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग भी आ जाता है, और ये लीनियर मोमेंटम डेफिनेशन के तौर पर आती है। मोमेंटम है क्या बेसिकली, मोमेंटम ये है कोई बॉडी जो है वो तेजी से आ रही है तो उसको हम रोकने के लिए कोई फोर्स लगाते हैं, तो एक जो जिस फोर्स से आ रही है, जिस मास और वेलोसिटी से आ रही है, उसको मोमेंटम का नाम देंगे। उन्हें मोमेंटम बेसिकली यही चीज है, लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, इंपल्स एंड एंगुलर मोमेंटम, वो अगले लेक्चर में